नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी और साक्षात्कारों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अदानी ग्रुप, बी बंसल ग्रुप, सी L&T, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी L&T। आपका दूसरा सवाल है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अमित शाह, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। आपका तीसरा सवाल है, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 900 करोड़, बी 1800 करोड़, सी 2000 करोड़, डी 1600 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1800 करोड़। आपका चौथा सवाल है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? आपका ऑप्शन है ए 5 एकड़, बी 2.5 एकड़, सी 2.77 एकड़, डी 9 एकड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2.77 एकड़। आपका पांचवा सवाल है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए बाबरी मस्जिद, बी ताजुल मस्जिद, सी जामा मस्जिद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद। आपका छठा सवाल है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए नागर, बी द्रविड़, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागर। आपका सातवां सवाल है, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 10,000 वर्ष, बी 11,000 वर्ष, सी 11,100 वर्ष, डी 9,000 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11,100 वर्ष। आपका आठवां सवाल है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? आपका ऑप्शन है ए 2 साल, बी 3 साल, सी 3.5 साल, डी 5 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3.5 साल। आपका नौवां सवाल है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? आपका ऑप्शन है ए 7 एकड़, बी 5 एकड़, सी 3 एकड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 एकड़। आपका दसवां सवाल है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 6 फीट, बी 7 फीट, सी 8 फीट, डी 7.5 फीट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 फीट।
का 11वां सवाल है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 141 फीट, बी 151 फीट, सी 168 फीट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 141 फीट। आपका 12वां सवाल है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? आपका ऑप्शन है ए राम जन्मभूमि न्यास, बी सुन्नी वक्फ बोर्ड, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम जन्मभूमि न्यास। आपका 13वां सवाल है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1530, बी 1549, सी 1590, डी 1599। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1530। आपका 14वां सवाल है, बाबर के बेटे का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हुमायूं। आपका 15वां सवाल है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल फजल, बी मीर बाकी, सी मोहम्मद मुस्तफा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर बाकी। आपका 16वां सवाल है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल है? आपका ऑप्शन है ए 2 मंजिल, बी 3 मंजिल, सी 4 मंजिल, डी 5 मंजिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मंजिल। आपका 17वां सवाल है, बाबर भारत कब आया था? आपका ऑप्शन है ए 1526, बी 1590, सी 1789, डी 1900। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1526। आपका 18वां सवाल है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपका ऑप्शन है ए महंत नृत्य गोपाल दास, बी निवेद मिश्रा, सी नरसिम्हा राव, डी अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महंत नृत्य गोपाल दास। आपका 19वां सवाल है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी केंद्र सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। आपका 20वां सवाल है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए एच डी देवी गौड़ा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी पी वी नरसिंह राव, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।